बड़ी खबर है, आज इस्तीफा दे सकते हैं चंपई सोरेन। रात 8 बजे इस्तीफा दे सकते हैं चंपई सोरेन। ये बड़ी जानकारी इस समय झारखंड से निकलकर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी इंफॉर्मेशन, आज इस्तीफा दे सकते हैं चंपई सोरेन। झारखंड के इस समय मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन और आज रात 8 बजे वो इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। तो झारखंड की सियासत में एक नया बदलाव संभव है। आज रात 8 बजे चंपई सोरेन इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। आज इस्तीफा दे सकते हैं चंपई सोरेन। ये बड़ी जानकारी। इसके बाद कौन बनेगा, क्या वापस मुख्यमंत्री अपने पद पर लौटेंगे या फिर चंपई सोरेन के बाद कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है। फिलहाल इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज इस्तीफा दे सकते हैं चंपई सोरेन। रात 8 बजे चंपई सोरेन का इस्तीफा हो सकता है। ये बड़ी जानकारी। रात 8 बजे आज इस्तीफा चंपई सोरेन दे सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। अदिति नागर मेरी सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। अदिति, ये जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है इसके बाद क्या संभव है, क्योंकि तैयारियां इस समय झारखंड में पूरी है? बिल्कुल रवि, लगातार झारखंड में जो राजनीतिक बदलाव उठा पटक आपको देखने को मिला, और उसके बाद अब जो ये तस्वीर है ये अगले 6 महीने की तस्वीर को काफी कुछ ट्विस्ट कर सकती है। अब देखिए, हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के सीएम होंगे और आज ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और इसके साथ ही हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल से समय मांगेंगे। देखिए, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अभी चेन्नई में है, वो शाम 7 बजे तक रांची लौटेंगे, और इससे पहले रांची में सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक भी हुई है। इससे ये भी तमाम तस्वीरें साफ होती है कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। वही चंपई सोरेन जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। सभी विधायकों को सीएम आवास नहीं रहने के लिए कह दिया गया है, और हालांकि अभी भी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जब हम गतिविधियां देखते हैं, हम लगातार स्थितियों को देखते हैं, तो समझ में आता है कि गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसके बाद अब जो 6 महीने का समय है, जब चुनाव होने हैं, तमाम तरीके की जो पॉलिटिकल रस्साकसी है उस सब की स्थितियों को भी आप बदलता हुआ देखेंगे, और ऐसे में चंपई सोरेन जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, यानी कि पॉलिटिकली भी इसको बैलेंस किया गया है। सभी विधायक सीएम आवास में रहने के लिए कहा गया है, सभी विधायकों से कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जैसे बोलते हैं कि आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन जी अनऑफिशियल तरीके से। लेकिन अदिति, अभी तो जांच की आज कम थोड़ी हुई है, अभी तो सिर्फ जमानत मिली है हेमंत सोरेन को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हेमंत पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अब पद से हटने की बारी उनकी आएगी नहीं, ये इसकी संभावनाएं कम रहेंगी। अगर हेमंत सोरेन से जुड़े सूत्रों की बात माने तो तमाम गतिविधियां हुई है इन दिनों में, और अगर लीगली भी काफी कुछ चीजों को कंट्रोल हेमंत सोरेन और उनके परिवार की तरफ से कर लिया गया है। अब देखिए, 5 दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं, उनकी रिहाई से काफी झारखंड की राजनीति करना गई है, और अब अगले 6 दिनों के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर अंदर एक तैयारी है कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव हो, और जो एक सिंपति होती है और तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो हेमंत सोरेन के साथ जुड़े, और इस बार ये मान रहे हैं हेमंत सोरेन के लीगली तो बैलेंस कर ही लिया है, और राज्य में ये मैसेज गया है कि हेमंत सोरेन के साथ गलत हुआ है, और इस तरह का मैसेज ईडी सीबीआई के उपयोग के तौर पे हेमंत सोरेन को 5 महीने रहना पड़ा। इसके अलावा सीएम आवास पर आज इंडिया ब्लॉक की भी बैठक हुई है, ये अपने आप में एक बड़े मायने है। बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक और मंत्री शामिल रहे। इसके साथ साथ कांग्रेस लगातार आलाकमान को, राहुल गांधी को लगातार संपर्क में है, और एक एक बात की जानकारी, गतिविधियों की जानकारी दे रहा है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया।